हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और ये शादी वाली वीडियो, शादी के दिन की वीडियो है फ्रेंड्स। हम लोग सब तैयार होकर के लॉन में आ गए थे और बारात आने में भी कुछ देर थी, तो उसके पहले हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ खा पी लिया जाए। तो खाने पीने के स्टॉल्स जो लगे थे बहुत ही अच्छे थे, वैरायटीज़ थी और स्टार्टर्स थे, और ये पान वगैरह का है। स्टार्टर्स बहुत ही टेस्टी थे फ्रेंड्स, मैंने तो स्टार्टर्स ही ट्राई किए और खाना भी बहुत ही अच्छा था। और ये चांद भी देखिए साक्षी है इस बात का कि आप लोग भरपूर इंजॉय करो शादी को। सभी रिलेटिव्स भी यहीं पर मौजूद थे और उसके बाद बारात आ गई थी। बारात की अगुवाई करने के बाद ये मेरे हस्बैंड और वर की माँ सब लोग वहाँ, हमारे यहाँ दुर्गा जनेऊ का कार्यक्रम होता है उसके लिए सब बैठ गए थे। और ये सब चीज़ें हमारे यहाँ दरवाजे पर ही होती है जब बारात आती है, बारात की अगुवाई की जाती है, तो इस टाइम पे दुर्गा जनेऊ के लिए बैठ गए थे। और इसमें वर जो होता है वो बैठता है और ये मेरी जेठानी मेरे साथ बैठी हुई हैं। और सभी लोग यहाँ पर कार्यक्रम को देख रहे थे। तो दुर्गा जनेऊ और बारात की अगुवाई के बाद हम सभी यहाँ नंद वगैरह सब थी और अब जयमाल का कार्यक्रम शुरू होने वाला था। तो जयमाल के कार्यक्रम के लिए सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। और अब दुल्हन का इंतज़ार, वधू का इंतज़ार सब लोग कर रहे थे। और वधू हमारी जेठानी की बेटी है। और ये शादी की जो वीडियो है ये थोड़ा लेट हो गई है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और ये देखिए बिटिया हमारी आ रही है जयमाला के लिए। बहुत ही सुंदर सजावट, आतिशबाजी का बड़ा ही सुंदर प्रदर्शन वहाँ पर था। शादियाँ आजकल बड़ी ही महंगी होने लगी हैं क्योंकि ये सब तामझाम बहुत ज़्यादा होने लगा है, लेकिन ज़रूरी भी है भाई, समय को देखते हुए सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और वर और वधू दोनों स्टेज पर पहुँच चुके हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है ये, बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है जब जयमाल का समय आता है, तो मन बड़ा ही एक तरफ विदाई का मन हो जाता है और दूसरी तरफ शादी के फेरे और जो हमारे यहाँ भावरे बोलते हैं उसको, इन सब चीज़ों का जो एक माहौल सा बन जाता है जो कि बड़ा ही सुंदर लगता है। अंदर से मन को एक मतलब बड़ा ही सुकून भरा होता है। और ये देखिए आतिशबाजी बहुत ही सुंदर तरीके से आसमान में भी हो रही थी और ये आतिशबाजी बड़ी ही रंगीन रंगीन सी आतिशबाजी हो रही थी फ्रेंड्स। और ये फिर से मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी थी बनाना। और देखिए अब जयमाल इस समय भी ये जो आतिशबाजी चल रही है बड़ी ही प्यारी लग रही थी देखने में, और बहुत ही सुंदर और मन को मोहने वाला ये पूरा दृश्य था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद रात में कन्यादान का ये कार्यक्रम शुरू हो गया था। हर चीज़ें एक वीडियो में दिखाना संभव नहीं होता है फ्रेंड्स। और ये देखिए कन्यादान, जब तक हाथ पीले नहीं होते तब तक कन्या वो हमारी है, और जब कन्यादान हो जाता है तब तो वो वर पक्ष की हो जाती है। और यही प्रथा चली आ रही है। ये समय बड़ा ही मन को विचलित करने वाला होता है कि एक पाली पोसी बिटिया हमें दूसरों के हाथ में सौंपनी पड़ती है, लेकिन यही हमारी प्रथा है तो उसको रीत है, उसे निभाना तो पड़ता ही है। और अब इसके बाद ये जो बैठक होती है वो अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। अब बाएं अंग में वधू बैठ जाती है और हमारे यहाँ पीली साड़ी में ही शादी होती है, पीली साड़ी मामा के यहाँ की लगती है। तो ये सब अपनी अपनी प्रथाएं हैं
और हम लोग इसी को निर्वाह करते चले आ रहे हैं। और आज भी ये सब चीज़ें तो नहीं बदली हैं, बाकी तो हर चीज़ें बदल गई हैं। दुनिया का तामझाम होने लगा है शादी विवाह में, और ख़र्चा वगैरह भी बहुत होता है, लेकिन अब चल रहा है समाज में तो करना भी पड़ता है। और अब इसके बाद ये लावा जो परसा जाता है, लावा परसाई वाला ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। कोशिश तो मैंने की कि मैं हर क्लिप लूँ हर समय की, हर मौके की। और जैसे कि हमारे बुंदेलखंड में ये सब इस तरीके से सब कार्यक्रम संपन्न होते हैं, और भाई जो है वो लावा परसाई करता है। और हर चीज़ के अपने अपने एक मायने हैं, रीजंस होते हैं। ऐसे ही नहीं ये विवाह की परंपरा बनाई गई है, जो षोडश संस्कार होते हैं उसमें ये विवाह का भी एक संस्कार होता है, और अग्नि को साक्षी मान करके विवाह संपन्न कराया पंडित जी ने। और अब भांवरों की बेरा है, भांवरे यानी फेरे की, फेरे हो रहे थे फ्रेंड्स। और ऐसा कहते हैं कि माँ नहीं देखती है, तो माँ और मैं चाची तो हम लोग सब बाहर आकर बैठ गए थे, तो हमारे यहाँ फेरे नहीं देखे जाते हैं, और लड़कों की शादी भी नहीं देखी जाती है, माता पक्ष नहीं देखता है। और इसके बाद ये कोई और कार्यक्रम हो रहा था, और अब इसके बाद विदाई का समय आ गया था। विदाई के समय तो माहौल बड़ा ही गमगीन हो जाता है, एक अजीब तरीके का माहौल हो जाता है, और ये देखिए आंसू आ ही जाते हैं, आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। और साथ ही साथ पगफेरे की भी रस्म होनी थी, तो पगफेरे की भी रस्म हो गई थी, तो इसमें हमारे यहाँ सुहागले की जाती हैं, और सुहागलों में 5, 7, 11 सुहागन स्त्रियाँ बैठती हैं। और ये जो लड़की या बहू जो भी होती है उसके गोदी में हम लोग मिठाई डालते हैं और पूजा की जाती है, तो इसको हम लोग सुहागले बोलते हैं। और वही